हेलो एवरीवन टुडे इज आवर टॉपिक इज यहाँ पे देखिए आज हमारा स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर वन सिक्स क्लास यहाँ पे हमारी क्लास सिक्स रहेगी है एंड चैप्टर नंबर ये हमारा रहने वाला है यहाँ पे चैप्टर नंबर वन और चैप्टर का नेम रहेगा नोइंग आवर ये आपका चैप्टर का नेम रहेगा तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका कंपेयरिंग नंबर फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर तो यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग नंबर में क्या होता है आपका यदि मैं यहाँ पे कहता हूं कि 65 आपका एक नंबर है एंड 20 आपका एक नंबर है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका 65 है ये आपका ग्रेटर देन ये आपका ग्रेटर देन है ट्वेंटी से तो सिक्सटी फाइव यहाँ पे आपका ग्रेटर देन है ट्वेंटी से तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा एंड दिस इज अवर ये आपका हो जाएगा यहाँ, number हो जाएगा. Our, यहाँ, हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर नंबर इस तरह ये आपका हो जाएगा एंड यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं यदि हमारा एक नंबर है यहाँ पे एट हम ले लेते हैं ये आप एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखते हैं ये हम क्या लेते हैं यहाँ पे एट नाइन ये हमारा यहाँ पे नाइन हो जाएगा फिर हम ले लेंगे यहाँ पे ट्वेल्व थर्टीन इस तरह के हमने यहाँ पे नंबर ले लिए हैं तो यहाँ पे देखिए जो स्मोलेस्ट नंबर है हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा इसमोलेस्ट नंबर एट हो जाएगा एंड ग्रेटर नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा तो इस तरह यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हम दो नंबर को आपस में कर सकते हैं और दो से अधिक नंबर को भी आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पे ग्रेटर देन कौन सा नंबर होता है या लेस नंबर कौन सा होता है छोटा नंबर कौन सा है या बड़ा नंबर यहां पे हमारा कौन सा होता है तो यहां पे ये तो आपकी बात हो जाती है जब ज़, यदि हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं दो से अधिक नंबर को कंपेयर कर रहे हैं मेन इसमें आपका आता है यदि हम यहां पे कहते हैं कि हमारा 10 है तो सिंगल नंबर को हम यहां पे कंपेयर नहीं कर सकते हम ये नहीं बता सकते कि यह नंबर हमारा छोटा है या ये नंबर हमारा बड़ा है केवल दो या दो से अधिक नंबर को ही हम कंपेयर कर सकते हैं वहां पे ग्रेटर नंबर एंड स्मोलेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं फिर इसमें हमारा एक टॉपिक आता है असेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ये जो आपके दो टॉपिक होते हैं एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर तो यदि हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ये एरो रखते हैं यहाँ पे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ये वाला एरो रखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या होता है कि सबसे पहले आपका सबसे छोटी संख्या आती है मान लेते हैं हम फोर है एग्जाम्पल है, है, है. ले लेते, है है यह ले लेते हैं है. तो अरेंज करना है इन नंबर्स को, असेंडिंग में, तो इनके लिए असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा सबसे पहले हम वन राइट करेंगे फिर टू राइट करेंगे फिर फोर राइट करेंगे फिर सिक्स राइट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम नंबर आपका सबसे स्मोलेस्ट नंबर से हम ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं और

ग्रेटर की तरफ हम वो करते हैं कि अरेंज करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है एग्जाम्पल में आपको कहा है कि आपका एक डिजिट है एट फोर सेवन एंड एक है आपकी नाइन सेवन फाइव एंड लास्ट वन इज 571. तो यहां पे क्या करना है इसका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा देखिए यदि मैं बात करता हूं असेंडिंग ऑर्डर की तो सबसे पहले स्मोलेस्ट नंबर लेंगे ये आपका हो जाएगा फाइव सेवन वन उसके बाद इससे अगले वाला नंबर लेंगे एट फोर सेवन एंड लास्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे नाइन सेवन Five. तो ये कहलाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर और यदि हम बात करते हैं इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की नेक्स्ट यहां पे आपको क्या निकालना है डिसेंडिंग ऑर्डर तो में हम क्या करेंगे सबसे पहले जो आपका ग्रेटर नंबर होगा उसको लेंगे इन नंबर के अंदर फिर आपका आ जाएगा एट फोर सेवन एंड लास्ट वन इज फाइव सेवन वन इस तरह ही आपका क्या कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा नेक्स्ट <coughs> देखिए आपका यदि कोई नंबर है आपका फोर फाइव सिक्स तो इस वाले पोर्शन को हम यहां पे कहते हैं ये आपका वंस डिजिट होता है ये आपका टेन होता है ये आपका हंड्रेड होता है इस तरह ही हमारा क्या होता है देखिए हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाएंगे सबसे पहले वंस होता है फिर टेंस होता है फिर हंड्रेड होता है फिर थाउजेंड होता है फिर आपका आ जाता है यहाँ पे टेन थाउजेंड फिर आपका आ जाता है यहां पे लैक, फिर, फिर आपका आएगा टेन लेख और उसके बाद आ जाता है आपका करोड़ फिर आपका आ जाता है टेन करोड़

प्लस हंड्रेड की बात करें तो यहां पे टू जीरो आता है फिर आपका टेन डिजिट पे आपका टू है तो आपका टेन में वन जीरो आता है प्लस ये आपका फाइव हो जाएगा और यदि हम इन सब का कर सम करेंगे तो आए, आपका आएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इस तरह आपका ये नंबर हो जाता है देखें यहां पे जो आपका आता है ये इंडियन नंबर सिस्टम इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर यदि आपका कोई नंबर लिखा हुआ है टू फाइव थ्री फोर नाइन टू तो यहां पे हम क्या करते हैं इनको कोमा सेपरेट करते हैं जैसे थ्री के बाद यहां एक कोमा लगेगा उसके बाद टू टू टाइम्स आपके कोमा लगते जाएंगे जैसे यहां पे एट लेते हैं टू ले लेते हैं तो यहां पे एक कोमा लग जाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ये आपका वन डिजिट पैलेस होगा ये आपका टेन ये आपका हंड्रेड दिस वन इज थाउजेंड एंड दिस वन इज इसको हम लिख सकते हैं टेन थाउजेंड दिस वन इज लैक दिस वन इज टेन लैक एंड दिस वन इज करोड़ इस तरह आपका होता है यदि आपको इसको रीड करना है तो ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे एट एट करोड़ एट करोड़ एंड यहां पे आपका आ जाएगा ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू लेख फिफ्टी फिफ्टी थ्री थाउजेंड फिर आपका आएगा यहां पे फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड लास्ट में आपका आ जाएगा ये नाइन्टी नाइन्टी टू इस तरह ये आपका नंबर राइट right हो जाता है तो फिर इसके बाद देखिए आप ये टेबल आपका जो क्वेश्चन आपका यहां पे कैसे बनता है क्वेश्चन आपका आएगा कुछ इस तरह यहां पे आपका लिखा होगा रीड दीज नंबर्स क्वेश्चन नंबर वन यहां पे आपका हो जाएगा फाइव फोर थ्री टू इस तरह आपका होगा अब देखिए इसको आपको रीड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ये तो थ्री कोमा ले ले लेते हैं यहां पे याँ आपका टू कोमा हो जाएगा तो सिंपल यहाँ पे आपका देखने से लग रहा है ये आपका ये आपका नाइनटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी टू ये आपका यहाँ पे इस तरह आपको इसको रीड कर सकते हैं या आप इसको क्या करेंगे यहां पे इसका वन पैले से निकालेंगे फिर टेन आपका यह आपका हंड्रेड हो जाएगा दिस वन इज था दिस वन इज टेन थाउजेंड इस तरह आपका हो जाएगा तो नाइन फाइव है तो ये आपका कितना हो टेन थाउजेंड में आ जाएगा आपका इसको लिख सकते हैं हम नाइन थाउजेंड और ये आपका आ जाएगा फोर हंड्रेड सिक्सटी टू इस तरह इस नंबर को यहाँ पे क्या किया जा सकता है राइट किया जा सकता है फिर बात आती है आपकी कि आपके जो नंबर है उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाए अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे मिलेगा यहां पे आपको क्वेश्चन होगा आपका राइट दी नंबर इन न्यूमेरिकल फॉर्म तो नंबर को आपको कहीं में लिखना है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो आपका यहां पे जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं यहां पे फर्स्ट में हम यहां पे लेते हैं सेविन सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी फाइव यह आपका यहां पे नंबर है इसको हमें क्या लिखना है सिंपल यहां पे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे देखिए अब पे सेवन करोड़ है और हम जानते हैं हम यहाँ पे अपनी एक टेबल बना लेंगे तो यहाँ पे आपका टेन आता है फिर आपका हंड्रेड आता, आता है फिर आपका लैक आता है फिर आपका टेन लैक आता है फिर आपका करोड़ आता है इस तरह देखिए अब देखिए यहाँ पे इसके लिए वन जीरो वन जीरो इस तरह जीरो असाइन करा देंगे इसको तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है ये सेवन करोड़ है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सेवन लिख देंगे उसके बाद देखिए है तो दैट इज दिस पे हम लिखेंगे उसके आगे लगा देंगे फिर उसके बाद फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव मतलब टें पे लिखना है तो ये आपका फिफ्टी हो जाएगा दिस इज अवर फाइव एंड लास्ट में इन सभी को क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड करा देंगे तो ये आपका आ जाएगा फाइव फाइव रोवन तो यही नंबर आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो सेवन डबल जीरो सिक्स डबल जीरो फाइव फाइव ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यहां पे देखिए हमारे पास कुछ स्केल्स होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है देखिए आपका फर्स्ट बात करते हैं किलोमीटर की तो यहां पे हम कहते हैं वन किलोमीटर अब देखिए वन किलोमीटर के अंदर आपका मीटर्स कितने होते हैं तो यहां पे आपका वन थाउजेंड मीटर होते हैं यदि कोई कहता है यदि वन बॉय सेज यहाँ पे क्या कहता है एक लड़का हमारा कहता है कि मैं एक किलोमीटर चला मतलब ये इसने डिस्टेंस कवर की वन किलोमीटर की तब देखे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका और इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है मीट, मीटर के अंदर तो यहाँ पे हम वन के अंदर वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन थाउजेंड मीटर इस तरह आपका हो जाएगा किलोमीटर के केस में नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलीमीटर की बात करते हैं तो यहां पे देखिए आपका क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका होता है टेन मिलीमीटर एक सेंटीमीटर में आपके टेन मिलीमीटर मिली होते हैं इसी तरह यहां पे देखिए वन मीटर की यदि मैं बात करता हूं कि वन मीटर में आपके हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं इसी तरह यहां पे देखिए यदि वन मीटर के अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा और मुझे निकालना है यहां पे मिलीमीटर तो यहां पे हंड्रेड इंटू टेन कराऊंगा तो ये आपका आ जाएगा मिलीमीटर तो वन मीटर के अंदर आपका मिलीमीटर होते हैं किलोमीटर के बारे में मैं आपको बता चुका वन किलोमीटर के अंदर वन थाउजेंड मीटर होते हैं ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए इसी तरह यहाँ पे ग्राम की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं तो वेट जनरली हम कहते हैं वन के जी वन किलोग्राम वन किलोग्राम के अंदर आपका होता है वन थाउजेंड ग्राम इस तरह देखिए वन थाउजेंड ग्राम होता है आपका और वन थाउजेंड ग्राम को हम क्या कह सकते हैं यदि वन थाउजेंड ग्राम को हम दो हिस्सों में लिख देते हैं फाइव हंड्रेड ग्राम प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम तो इसको बोलते हैं हम यहां पे इस चीज को बोल देते हैं वन एंड हाफ के जी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधा किलो इसी तरह देखिए यदि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं टू फाइव जीरो प्लस टू फाइव जीरो ग्राम ये दोनों इस तरह लिखा जा सकता है तो ये जो टू फाइव जीरो होता है इसको बोलते हैं हम मतलब टू फाइव जीरो को बोलते हैं हम वन फोर्थ के जी मतलब एक किलो का चौथा पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं यहां पे वन फोर्थ के जी और जिसको हम बोल देते हैं ढाई सौ ग्राम इस तरह की आपकी ये मेजर कुछ बातें होती है जो हमें याद रखनी चाहिए फिर इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किलोग्राम मीटर के बारे में बात किया था तो इसी तरह देखें यहाँ पे क्या हो जाता है वन ग्राम तो वन ग्राम के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पे वन थाउजेंड मिली ग्राम वन ग्राम के अंदर आपका आएगा यहाँ पे वन थाउजेंड मिली ग्राम फिर हम बात करते हैं लीटर की तो वन लीटर के अंदर आपका होता है वन थाउजेंड मिली लीटर ये यह आपको यहाँ पे सभी चीजें याद रखनी है नाउ यहां पे देखिए जैसे हम बात करते हैं जैसे हम मार्केट में जाते हैं मार्केट में हम जाएंगे तो वहां पे हम बोलेंगे जैसे हमने पूछा हमने एप्पल का रेट पूछना है तो जो हमारा जो बेचने वाला सेलर होता है उसको हम पूछेंगे कि एप्पल कितने रुपए किलो है तो वो आपको बोलेगा फोर्टी पर के जी इज यहाँ पे आपका होता है कि फोर्टी रुपीज पर वन किलोग्राम इस तरह वो आपको बोलेगा कि चालीस में एक किलो सेब आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कराएगा इस तरह कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि बात आती है डजन की जिसको हम सिंपली भाषा में दर्जन भी बोलते हैं तो केले आपके क्या होते हैं डजन में आपका कितना होता है ट्वेल्व पीस होता है वन डजन में आपका ट्वेल्व पीस होता है मतलब सिंपल यहां पे कहा जाए तो हम ये नहीं पूछेंगे के, केले कितने रुपए दर्जन दिए वहां पे हम क्या पूछेंगे कि केले कितने मतलब कितने मतलब कितने रुपए किलो दिए ये नहीं पूछेंगे बल्कि पूछेंगे केले कितने रुपए दर्जन है तो वो आपको उसी तरह से बता देगा यदि उसने तीस पर दर्जन बोला तो यहां पे वो क्या करेगा तीस रुपए में आपको वो बारह केले दे देगा ठीक है सर उसके बाद यहां पे इसी तरह देखिए यहां पे टू मैनी क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है सबसे पहले राम नाम का कोई व्यक्ति है जिसने पाँच केजी चावल लिए राम ने पाँच केजी चावल लिए और जो राइस का रेट है राइस का रेट है बीस रुपये पर जी तो यहाँ पे देखिए पांच किलो चावल लिए उसने बीस रुपए पर किलो के हिसाब से तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि उसने टोटल कितना मनी खर्च किया तो आपका आंसर कैसे हो जाता है यहाँ पे बीस किलो के अंदर हम क्या करेंगे पांच से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हंड्रेड रुपीज मतलब उसने पांच किलो चावल के लिए हंड्रेड रुपीज पे किए ये आपका इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह के होते हैं नेक्स्ट आपका यहां पे देखिए राम के पास हंड्रेड रुपीज है एंड शाम के पास आपके वन ट्वेंटी रुपीज है तो इनके पास टोटल कितने रुपीज है तो यहाँ पे टोटल आपका कैसे निकलता है टोटल में हम इनको ऐड करा देंगे दोनों रुपीज को दोनों के जितने रुपीज होंगे उनको ऐड करा देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा इस तरह के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर जो पॉपुलेशन उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे सुंदरनगर की जो पॉपुलेशन है वह आपकी यहाँ पे टू थ्री फाइव फोर सेवन वन है इन 1991 1991 में पॉपुलेशन आपकी जो हमने ये राइट किया इतना है वहां पे उसके बाद इन ईयर ऑफ 2001 2001 में उनकी जो पॉपुलेशन देखी गई वो यहां पे थी सेवन टू नाइन फाइव एट इंक्रीज हो गई ये आपकी जो पॉपुलेशन है इतनी पॉपुलेशन उन्नीस में, में पॉपुलेशन आपकी ये थी और इतनी पॉपुलेशन 2001 तक बढ़ गई तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन पूछा गया है तो टोटल पॉपुलेशन बताने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉपुलेशन हमारी कितनी थी ये हमारी पॉपुलेशन थी उन्नीस में उसके बाद 2001 में पॉपुलेशन हमारी इतनी इंक्रीज हो गई दैट इज बढ़ गई तो जब भी बढ़ता है कुछ चीजें तो उन्हें क्या करते हैं वहां पे ऐड करते हैं तो टू थ्री फाइव फोर सेवन वन यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे दैट इज यहाँ पे एट राइट करेंगे यहाँ पे फाइव राइट करेंगे फिर यहाँ पे नाइन यहाँ पे टू एंड यहाँ पे सेवन दोनों को एड करा देंगे यहाँ पे देखिए ऐड करने का जो बेसिक होता है वो वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट होनी चाहिए टेंस के नीचे टेंथ होना चाहिए अदरवाइज आप मिस्टेक करा देंगे यदि आप इधर से चलेंगे मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा इन सभी को हम यहाँ पे ऐड करा देंगे दिस इज अवर नाइन एंड ये आपका नाइन हो जाएगा इनको ऐड करेंगे ट्वेल्व वन कैरी हो जाएगा ये फोर्टीन उसके बाद फोर्टीन यहाँ पे फिर वन कैरी हो जाएगा ये एट हो जाएगा आपका ये टेन हो जाएगा टेन के लिए जीरो एंड ये थ्री तो यहाँ पे सिंपल ये आपका हो जाएगा थ्री लैख एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इतनी पॉपुलेशन वहां पे, टू थाउजेंड वन में आपकी करंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी दिस इज द टोटल पॉपुलेशन यह या आपकी यहां पे टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी नेक्स्ट इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं यहां पे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक रहता है एस्टीमेट नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे टॉपिक का नेम रहेगा एस्टीमेट इसको हम क्या कहते हैं एस्टीमेट लगाना जैसे आपके यदि कुछ मतलब पापा मम्मी होते हैं वे एस्टीमेट लगा लेते हैं कुछ चीजों का एस्टीमेट दैट इज यदि उन्होंने क्या किया एस्टीमेट को हम कह सकते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ सिंपल क्या होता है जैसे उन्हें कोई चीज़ परचेस करनी है मान लिया उन्होंने क्या किया ट्वेंटी रुपीज़ के राइस लेने हैं ट्वेंटी रुपीज़ के उन्होंने राइस लिया एंड टेन रुपीज़ का उन्होंने यहाँ पे कुछ टेन रुपीज़ का मान लेते हैं यहाँ पे एप्पल ले लिया उन्होंने एंड and... तब फिर भी लोग एस्टिमेट लगाते हैं और एस्टिमेट में देखिए उन्होंने कितना रुपीस यहाँ पे थर्टी रुपीस मान की चलते के चलते हैं कि हमारे थर्टी रुपीस जो है वो खर्च हो जाएंगे बट होता क्या है कि जो राइस वाला होता है वो उनको यहाँ पे क्या करता है एट्टी रुपीस पर केजी दे देता है एंड जो एप्पल वाला है वो उनको मान लेते हैं यहाँ पे नाइन रुपीज में आपका एप्पल दे देता है तो उनका टोटल यहाँ पे एक्चुअल कितनी हो जाती है? कितना पैसा में खर्च होता है थर्टी रुपीज, रुपीज का तो ये क्या होता है एस्टिमेट आप कह सकते हैं एक तरह का अनुमान कि वे अनुमान लगाते हैं जैसे आपके घर में कोई कोई बड़ा फंक्शन होने वाला होता है तो फंक्शन में हम वहां पे क्या करते हैं एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमारा वहाँ पे राइस इतना लग जाएगा चावल इतना लग जाएगा या आपके आलू इतने लग जाएंगे बट होता क्या है उसके थोड़ा होता कम लग जाता है थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो वे वहां पे एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतना हमारा यहाँ पे लग जाने वाला है तो देखिए मैथमेटिक्स में एस्टिमेट कैसे यूज होता है यहाँ पे आपका एक टॉपिक आता है टू एस्टिमेट सम और Difference. डिफ्रेंस समिफ्रेंस के बीच में एस्टिमेट लगाना है यहाँ पे यह आपकी हेडिंग रहेगी या आपका एक टॉपिक रहता है यहाँ पे तो देखिए क्या होता है इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिजिट फाइव सिक्स सेवन थ्री माइनस फोर थ्री सिक्स इसका क्या करना है आपको एस्टिमेट करना है एस्टिमेट राउंड ऑफ राउंड ऑफ थाउजेंड अब देखिए राउंड ऑफ थाउजेंड आपको इसका एस्टिमेट करना है तो फर्स्ट डिजिट है आपकी फाइव सिक्स सेवन थ्री ये आपका हो जाएगा यहां पे, तो इसके राउंड ऑफ थाउजेंड में क्या रहेगा देखिए सिंपली मैं आपको बताता हूं यहाँ पे आपके पास यदि वन से लेके आपको टेन डिजिट है या। और यहाँ पे आपका आपको करना है फोर का एस्टिमेट करना है राउंड ऑफ टेन्स फोर का एस्टिमेट राउंड ऑफ टेन करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये कहलाएगा आपका ये आपका यहां पे जीरो कहलाएगा और यदि हमें यहां पे सेवन को राउंड ऑफ टेन करना है तो ये आपका काउंट होएगा टेन इस तरह आपका एस्टीमेट लगता है और यदि आपको हंड्रेड राउंड ऑफ हंड्रेड एस्टीमेट लगाना है आपके पास डिजिट है फोर्टी नाइन तो ये आपकी क्या काउंट हो जाएगी यहाँ पे जीरो काउंट होगी ये आपका फिफ्टी वन है तो ये आप यहाँ पे काउंट करेंगे एज अ हंड्रेड और यदि फिफ्टी होता है तो फिफ्टी में आप बहुत ले सकते हैं तो जीरो लो या आप हंड्रेड लो इस तरह आपका होता है तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या था आपका फाइव सिक्स सेवन थ्री था आपका तो इसको एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट करने पर आपका आ जाएगा ये सिक्स थाउजेंड हो जाएगा क्योंकि थाउजेंड में आपको करना है तो ये सिक्स थाउजेंड की तरफ टेंड करेगा उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फिर हम देखिये ये तो आपका फर्स्ट डिजिट के लिए हो गया अब आपका है पे 4, 3, इसके लिए आपको एस्टिमेट लगाना है राउंड ऑफ थाउजेंड तो राउंड ऑफ थाउजेंड इसके लिए एस्टिमेट करेंगे अभी हमने यहाँ पे आपको बताया ये आपकी जितना भी जिसके लिए भी आपको करना है मान लिया आपको हंड्रेड के लिए करना है तो हंड्रेड को टू से डिवाइड कर दो दैट इज फाइव ये आपका कितना आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा तो फिफ्टी से यदि नीचे होगा तो उसके लिए जीरो रखेंगे और फिफ्टी से ऊपर होगा तो उसके लिए हंड्रेड रखेंगे इसी तरह यहाँ पे आपका एस्टिमेट करना है 4, 3, का राउंड ऑफ तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा फोर थ्री सिक्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको जीरो लेंगे यदि ये आपका फाइव जीरो वन होता तो इसके लिए हम यहाँ पे वन थाउजेंड लेते तो यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे जीरो ले लेंगे नौ अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सिक्स थाउजेंड माइनस जीरो जो कि आपका कितना हो जाएगा यहां पे सिक्स थाउजेंड और यही हमारा क्या हो जाएगा यहां पे आंसर हो जाएगा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं एडिशन के केस में एंड के केस में नाउ अब देखिए हमारा यहां पे एक टॉपिक आता है एस्टिमेट इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर एस्टिमेट कैसे करें तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये आपका आपको एस्टिमेट करना है एस्टिमेट एट्टी वन इंटू फोर सेवन नाइन यूजिंग रूल ये आपका है तो सबसे पहले देखिए इसको हमें क्या करना है जो आपका ये एट्टी वन है इसको टेन टू एस्टिमेट करना है और इसको हंड्रेड टू एस्टिमेट करना है तो सिंपल देखिए यहां पे आपको क्या हो जाएगा <coughs> जो आपका ये एट्टी वन है तो टेन के लिए इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा यहां पे एट्टी हो जाएगा एंड हंड्रेड के लिए इसका ये, ये आपका क्लोजर है टू एट्टी और ये आपका क्लोज है टू फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहां पे फाइव हंड्रेड आ जाएगा तो सिंपल हम यहां पे करेंगे फाइव हंड्रेड इन टू एट्टी एंड ये आपका आ जाएगा फोर एंड फोर टाइम जीरो तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा एस्टिमेशन आंसर हो जाएगा इस तरह आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है वे कर लेने हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं expand expand या आपके आ जाते हैं यहाँ पे expand ब्रैकेट्स तो देखिए यहाँ पे expand ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में आपको क्या होता है यदि कहीं पे ये लिखा हुआ है कि सेवन इंटू हंड्रेड प्लस नाइन तो यहाँ पे आपका क्या होता है सेवन की मल्टीप्लाई हंड्रेड में होगी प्लस ये वाला साइन आपका आएगा जो आपका यहाँ पे साइन है प्लस का वो आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका आ जाएगा सेवन इंटू नाइन इस तरह आपका ये एक्सपेंड होता है ब्रैकेट तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेवन डबल जीरो प्लस सेवन नाइन जो आपका कितना होता है यहाँ पे सिक्सटी थ्री इस तरह ब्रैकेट का एक्सपेंड कर सकते हैं हम ब्रैकेट को फिर देखिए यदि हमारी कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है हमारी इस तरह कि हमें सेवनटीन इंटू वन जीरो कराना है तो एक मेथड होता है आपका वन जीरो करते हैं हम यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये तो हमारा सिंपल मेथड होता है और यदि हमें इसे ब्रैकेट के थ्रू करना है तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के थ्रू हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसको हम राइट कर सकते हैं टेन प्लस सेवन इंटू वन जीरो नाइन अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे टेन 10 इंटू वन जीरो नाइन प्लस सेवन इंटू वन जीरो नाइन इस तरह यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये वन जीरो नाइन जीरो प्लस सेवन की मल्टीप्लाई इसके अंदर कराएंगे तो वन जीरो मल्टीप्लाई करानी है हमें सेवन सेवन के अंदर तो यहाँ पे आएगा थ्री सिक्स आपका यहाँ पे ये थ्री आ जाएगा सिक्स आपका कैरी हो जाएगा सेवन की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो जीरो आता है ये थ्री हो जाएगा इंटू सेवन तो आपको कितना आ जाएगा सेवन सिक्स थ्री दोनों को हमें यहाँ पे ऐड कराना है तो ऐड कराने के लिए क्या करेंगे इस तरह ऐड करा लेंगे हम इसको तो आ जाएगा थ्री फाइव एट वन तो आंसर हमारा हो जाएगा वन एट फाइव थ्री ये हमारा इस तरह आंसर हो जाएगा इसको हम कहते हैं ब्रैकेट का एक्सपेंडेशन ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं ये हमारा यहाँ पे हो जाता है फिर बात करते हैं रोमन नंबर की नेक्स्ट देखिए आपका एक टॉपिक आता है रोमन नंबर अब देखिए रोमन नंबर में आपका क्या होता है जैसे हमारे जो वैसे नंबर्स होते हैं वे आपके होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तक अभी हम ले लेते हैं टेन से आगे भी जाता है इलेवन टर्टीन इस तरह जाता है आपका फिर देखिए हमारे रोमन नंबर में क्या होता है तो जो वन होता है इसके पहले इस पर हम रखते हैं इस तरह है। ये आपको वन को रिप्रेजेंट करता है टू को ये इस तरह होता है थर्ड के लिए हमारा ये हो जाता है फोर्थ के लिए हमारा ये हो जाता है एंड फाइव के लिए इस तरह होता है फिर सिक्स के लिए आपका हो जाएगा ये इस तरह सेवन के लिए आपका हो जाएगा ये इस तरह एंड एट के लिए वी के आगे तीन डंडे और नाइन के लिए वन इंटू एक्स मतलब वन डंडा आपके एक्स हो जाएगा और टेन के लिए आपका आ जाता है यहाँ पे सिंपल एक्स तो ये आपके क्या कहलाते हैं रोमन नंबर कहलाते हैं आप देखिए यहां पे क्या होता है ये तो आपका सिंपल रोमन नंबर हो गया और नेक्स्ट आपका यहां पे क्या आ जाएगा जो वन है उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल डंडा यूज करते हैं फिर फाइव के लिए वी यूज करते हैं फिर एक्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं टेन उसके बाद आपका आता है एल इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा फिफ्टी L, मतलब फिफ्टी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एल यूज करते हैं टेन के लिए एक्स यूज करते हैं फाइव के लिए V यूज करते हैं फर्स्ट के लिए इस तरह का ये सिंबल यूज करते हैं फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे डी डी को फाइव हंड्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से फिर आपका एम आता है वन थाउजेंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे एम से तो इस तरह के नंबर आपके क्या कहलाते हैं ये रोमन नंबर कहलाते हैं तो यदि देखिए हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं यदि हमें ट्वेंटी को राइट करना है इन रोमन नंबर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा रोमन नंबर हो जाएगा और यदि हमें यहाँ पे देखिए ट्वेल्व को राइट करना है रोमन नंबर के अंदर तो टेन के लिए आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और इस टू के लिए हमारा क्या आ जाएगा डबल डंडा जैसे हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर आपका बताया था ये आपका ट्वेल्व लिखा जाएगा इस तरह से नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि कहीं पे लिखा हुआ है एल एल एक्स वी इस तरह लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए एल की एल के लिए एल किसके लिए यूज होता है 50 के लिए यूज होता है तो ये आपका सिंपल 50 हो जाएगा प्लस एक्स टेन के लिए यूज होता है प्लस वी हमारा फाइव के लिए यूज होता है तो सभी को ऐड करा देंगे ये आपका 65 तो इसका मतलब क्या है एल एक्स वी का मतलब है यहां पे 65 राइट हुआ है इसी तरह यहां पे देखिए ये आपका कुछ सिंपल रिप्रेजेंटेशन था इन नंबरों का नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे देखिए टेन के लिए बात कर लेते हैं टेन के लिए एक्स यूज होता है ट्वेंटी के लिए डबल एक्स हो जाएगा थर्टी के लिए ट्रिपल एक्स हो जाएगा फोर्टी के लिए अब देखिए यहां पे फोर्टी है सिंपल यहां पे आपका फोर्टी है तो फोर्टी को क्या लिख सकते हैं हम थर्टी प्लस फोर्टी को हम यहां पे लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका जैसे आपका होता है यदि कोई नंबर आपका राइट में आपका जो राइट साइड है उसमें आपका ग्रेटर नंबर लिखा हुआ है रोमन के अंदर और लेफ्ट में हमारा लेफ्ट में हमारा स्मॉल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेटर में से स्मॉल आपका माइनस हो जाता है ग्रेटर में से स्मॉल आपका माइनस हो जाएगा अब देखिए फोर्टी के केस में हमारा क्या होगा यहाँ पे फोर्टी के केस में हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एल क्योंकि एल आपका कितना होता है फिफ्टी होता है एक्स आपका टेन होता है तो यहाँ पे देखिए राइट में कितना है है ग्रेटर नंबर और लेफ्ट में स्मोलेट नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 minus, 10 करा देंगे दैट दिस इज और इस तरह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा फोर्टी लिखा जाएगा एक्स एल के लिए उसके बाद फिफ्टी के लिए देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्टी के लिए आपका एल होता है हमने यहाँ पे पहले भी आपको बताया नेक्स्ट आपका आ जाएगा सिक्सटी तो 60 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 के लिए लिख देंगे एल एक्स मतलब यदि हम हमारा लेफ्ट से राइट की ओर टूवर्ड्स द राइट यदि हमारा इस तरह लिखा हुआ था एल एक्स वी तो एल आपका 50 के लिए यूज होता है ये आपका 10 के लिए यूज होता है ये आपका 5 के लिए यूज होता है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देंगे और यदि आपका लिखा हुआ हो, होता ये आपका इस तरह लिखा होता है वी एक्स एल तो यहाँ पे आपका क्या होता है ये 50 के लिए यूज होता है ये 10 के लिए यूज होता है और ये आपका सिंपल यहाँ पे फाइव के लिए यूज होता तो ये फिफ्टी माइनस टेन कराते माइनस फाइव कराते तो आपका कितना हो जाता ये थर्टी फाइव की लिए हो जाता इस तरह यहाँ पे आपका होता है फिर बात करते हैं सेवेंटी के लिए सेवेंटी में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एल एक्स एक्स दैट इज यहाँ पे देखिए एल आपका फिफ्टी के लिए यूज हुआ प्लस टेन तो ये सिक्सटी हो जाएगा इसी तरह यहाँ पे देखिए फिफ्टी प्लस टेन प्लस टेन ये आपका सेवेंटी हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फाइव एट्टी की बात करते हैं तो एट्टी में आपका आ जाएगा एल ट्रिपल एक्स दैट इज फिफ्टी प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन ये आपका एट्टी हो जाएगा फिर हम बात करते हैं नाइन्टी की नाइन्टी में आपका आ जाएगा एक्स सी सी हमारा हंड्रेड के लिए यूज सी हमारा देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स सी सी हमारा यहाँ पे हंड्रेड के लिए यूज होता है यहाँ पे भी हम राइट कर देंगे जो सी होता है वो हंड्रेड के लिए यूज होता है आपका तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये एक्स सी दिस इज अवर हंड्रेड माइनस टेन तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा इस तरह ये नंबर आपको यहाँ पे, पे याद कर लेने हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका अब एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल में हमारा है कि राइट इन no, मतलब रोमन नंबर में आपको क्या करना है राइट करना है सिक्सटी नाइन को रोमन नंबर में लिखना है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका सिक्सटी नाइन है तो सिक्सटी नाइन को हम क्या लिख सकते हैं सिक्सटी प्लस नाइन इस तरह लिखा जा सकता है और इस सिक्सटी को हम लिख सकते हैं फिफ्टी प्लस टेन प्लस नाइन ये आपका हो जाएगा अब देखिए फिफ्टी के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एल और टेन के लिए यूज करेंगे एक्स प्लस नाइन के लिए हमारा होता है वन इस तरह लिखा जाता है आई इन टू एक्स तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे लिखा जाएगा आपका एल एक्स आई एक्स तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस इज फॉर सिक्सटी नाइन ये आपका यूज हो जाएगा सिक्सटी नाइन के लिए उसके बाद बात करते नाइनटी एट के लिए अब देखिए नाइनटी एट को हम क्या राइट कर सकते हैं नाइनटी प्लस एट अब देखिए नाइन्टी के लिए हमें याद है अभी हमने एक्ससी निकाला है नाइन्टी के लिए तो ये आपका एक्ससी हो जाएगा प्लस एट के लिए आपका होता है v के आगे थ्री डंडे लगे होते हैं तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा ये एक्ससी वी थ्री डंडे ये आपका हो जाएगा तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पे कर सकते हैं तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग